भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें नई रेत खनन नीति समेत करीब 17 प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके तहत रेत की खदानें 5-5 साल के लिए ठेके पर दिए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा उद्योग विभाग की लैंड पुलिंग योजना पर भी बात की जा सकती है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में निजी भूमि के अधिग्रहण करने की जगह लैंड पुलिंग का प्रावधान होगा। इसके साथ ही आचार संहिता की वजह से लंबित योजनाओं पर भी कैबिनेट चर्चा कर सकती है। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में नई रेत खनन नीति को मंजूरी दी जा सकती है। इसके तहत रेत खनन को लेकर पंचायतों को दिए गए अधिकार वापस लिए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक नई नीति के तहत ठेकों की ऑनलाइन नीलामी का अधिकार राज्य खनिज निगम को मिल सकता है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर स्थित खदानों में खनन, संग्रहण और लोडिंग का काम मशीनों से नहीं किया जा सकेगा, जबकि अन्य नदियों में 5 हेक्टेयर तक की खदानों में स्थानीय श्रमिकों की समिति से खनन, संग्रहण और लोडिंग करवाई जाएगी। हालांकि बड़ी खदानों में मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। खबरों के मुताबिक खदानों के नीलामी में अगर 125 रुपए प्रति घन मीटर या उससे ज्यादा की राशि मिलती है तो 75 रुपए प्रति घन मीटर संबंधित पंचायत को और 50 रुपए प्रति घन मीटर जिला स्तर पर जिला खनिज निधि में दी जाएगी। और अगर एक वित्तीय वर्ष में रेत से पंचायत को 25 लाख रुपए से ज्यादा की आय होती है तो ऊपर की राशि जिला खनिज निधि मद में दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक किसान, कारीगर, मजदूर, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सदस्य और कुम्हारों को गांव में खुद का आवास बनाने में, मरम्मत करने में, कृषि कार्य या कुआं बनाने में रेत रॉयल्टी नहीं लगेगी। साथ ही सार्वजनिक हित में किए गए पंचायतों के कामों पर भी रॉयल्टी नहीं ली जाएगी। हालांकि ठेकेदारों से काम कराने पर यह छूट नहीं मिलेगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में आज नई रेत नीति को सरकार मंजूरी दे सकती है। नई रेत नीति पर खनन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नई रेत नीति कारगर साबित होगी। प्रशासन के पास अवैध खनन रोकने के लिए संसाधनों की कमी है। 15 साल से प्रदेश में लूट मची हुई है। नई रेत नीति में अवैध उत्खनन रुकेगा। नई रेत नीति में मुख्य रूप से जो है जो पंचायत को संचालन दिया गया था, जैसा आपने देखा छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों में भी पंचायत से संचालन वापस लिया गया है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी चीज़ें उसमें रहती है, बहुत सारी संस्थाओं की अनुमति लगती है जो पंचायत नहीं करा पाती। तो जिसके चलते जो अवैध उत्खनन लगातार बढ़ रहा था, पंचायत की आड़ में हमारे जो खनिज माफिया है वही लोग काम कर रहे थे, उनको रोकने के लिए ये प्रयास किया गया कि उनसे संचालन वापस लिया गया है और पंचायतों को जो राशि मिलती थी पहले उससे भी कहीं ज़्यादा राशि सरकार के द्वारा उन पंचायतों के खाते में डाली जाएगी।